बीच में सुबह तो मेरी आवाज नहीं करती, ऐसे होता सुबह मेरे साथ। बट अब ठीक है आवाज, अब या तो सामान लेके आता हूँ फटाफट। वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर वेल। तो भाई कल मैंने कुछ व्लॉग नहीं करा, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है ना, वहां पर शादी में मीटिंग कर करके ना गला पूरा चोक हो गया, यहाँ से और ऐसे लग रहा है लेकिन बुखार भी हो रहा। जो मैंने बस परसों व्लॉग करा था बस वही डाल दिया शादी वाला। और मैंने मतलब कल एक मिनट के लिए भी कैमरा नहीं उठाया, एक मतलब फोन कह रहा हूँ एक मिनट के लिए भी। पैरों में इतना दर्द, मतलब पूरी बॉडी में हो रहा था, दर्द हो रहा था, मतलब हालत कोई थी नहीं कुछ करने की। मैं सुबह 7 बजे शादी में से आया हूँ, 7 बजे आके मैं 7:30 तक सोया, 1 बजे उठ गया। उसके बाद जो छोटे मोटे काम थे वो करे और कुछ नहीं करा। इतना दर्द हो रहा पैरों, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो लोफर्स थे ना वो 2-3 घंटे के लिए पहन जाते हैं, वो भाई मैंने पहन ली क्या कहते हैं कम से कम 10-11 घंटे के लिए। उससे मेरे पैर पूरे सूज गए नीचे से और इतना दर्द हो रहा है। मतलब प्लान तो ये था कि आज भी व्लॉग ना करूँ, पर मैंने सोचा कि यार उठ जाता हूँ, क्या करना है व्लॉग कर लेता हूँ। अभी मैं जस्ट 5 मिनट पहले ही उठाऊँ, अभी 10:55 हो रहे हैं और मैं 10:50 के करीब ही उठाऊँ। अभी उठता हूँ, फ्रेश व्रेश होता हूँ, काम करता हूँ, मंदिर भी जाना है। मेरी पूरी आवाज़ ऐसी हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अजीब से मैं जान कैसे बोल रहा हूँ जी। कभी कभी अपने आप को ही लगता है ऐसे ये सब, बट चलो कोई नहीं, अभी उठता हूँ ना। तो फिर मम्मी को मंदिर लेके जाना, हनुमान मंदिर। बस यही कुछ प्लान है आज का, और कुछ प्लान नहीं है। और भाई हमारे साथ शादी में इतने सारे कांड हुए ना, मतलब गाड़ी ख़राब हो गई अन्नू की। हम वो किसी को ड्रॉप करने गया था वहाँ पर जनकपुरी के पास, वो आते आते पंखा रोड पड़ती है, वहाँ उसकी गाड़ी ख़राब बंद। हम फिर यहाँ से पेट्रोल लेके गए 6 लीटर, मतलब मैं नहीं गया था, दोस्त वोस्त गए थे, 6 लीटर पेट्रोल लेके गए, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक गाड़ी यहाँ से गई, उसकी बेल्ट वेल्ट काटी, जो पीछे वाली बेल्ट होती है ना, सीट बेल्ट, वो काटी, गाड़ी टोचन करके लेके यहाँ से चलते चलते गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसकी गाड़ी मतलब ना ऐसे स्लांट पर कहीं फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से उसकी गाड़ी खींची वींची, मतलब बहुत तगड़ा सीन हुआ था। मतलब किसने वीडियो को बनाई नहीं, अगर होती तो मैं इसमें डाल देता, बहुत गलत सीन हुआ। मतलब सारे कांड कांड हुआ वहाँ पर शादी में हमारे साथ। भाई हमारी होटल वालों से लड़ाई हो गई, क्योंकि उन्होंने ना मतलब जो जो चीज़ें बोलती वहाँ पर एसी, एक तो एसी फूक गया, एसी की सारी गैस उड़ गई, भाई इतनी सफोकेशन हो गई नीचे बेसमेंट में हद से ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये कि हमारे दोस्त ना, 7 दोस्त एक रूम में फंस गए, वहाँ का लॉक वॉक ख़राब था, वो फंस गए उसके अंदर, बड़ी मुश्किल से खुलाया बुलाया, तो जो बंदे ने खुला ना वो भी उनके साथ जाके फंस गया उसमें, मतलब टोटल 8 लोग हो गए वो। फिर बड़ी मुश्किल से खुला गेट वेट, उसके बाद वो क्या कहते हैं आए थोड़ी देर बाद ना, उसका दूसरा बंदा आया मैनेजर, मुझे क्या तभी आप इसका मतलब कैसे बैठा, आपको दूसरा रूम अलॉटेड है। उन्होंने कहा भैया जब एक रूम खुला हुआ था तो हम पिछले बैठ गए, हम निकल गए। फिर वहाँ ये सब हुई, मतलब बहुत तड़े तड़े सीन हुए हमारे साथ हद से ज़्यादा। अब मैं उठ जाऊँ, नहा लूँ वालू, कुछ काम कर लूँ, हाथ में भी दर्द हो गया, फ़ोन पकड़ते पकड़ते मेरा। क्या बन रही अपनी चाय, क्या बनाया खाना? अरे अपने अपने को चाय की बहुत सुख जरूरत है, गला पूरा खराब पड़ा है। दाल चावल बनाओगे अभी? मेरी रोटी बनाऊंगी तो मेरी रोटी बना देना, रोटी मैं तो रोटी खाऊंगा। हाँ ठीक है, मेथी की रोटी बना देना, नहीं यार गले में दिक्कत हो जाएगी ना ठंडे होते। तो भाई अभी बज रहे हैं 12, बीच बीच में मेरा गला थोड़ा थोड़ा ठीक होता है फिर दोबारा खराब हो जाती है, इससे वजह अभी हो गई थी। और अभी का प्लान ये है कि मैंने कंबल फोल्ड कर दिया, सब कुछ कर दिया है, बस नहाने जाना है। और जब तुम बीमार हो नहाने का एक पैसे का मन नहीं करता बिल्कुल भी। और भाई मैंने कल भी पूजा नहीं करी, मैं मंदिर भी नहीं जा पाया, मतलब पिछले एक हफ्ते से ना मेरा थोड़ा शेड्यूल बिगड़ रहा है, इसलिए पर आज शाम को मंदिर जाऊँगा। पूजा आज भी नहीं हो पाएगी क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो मैं 12 बजे पूजा करता ही नहीं हूँ। इसलिए अभी फटाफट चलता हूँ नहाने, फिर जाना हनुमान मंदिर, और बस यही है प्लान। और भाई बीच बीच में गला ठीक हो रहा है, हल्का हल्का, फिर खराब हो जाता है ऐसे। अब चलता हूँ नहाने। भाई मैं अभी अभी जस्ट घर आया हूँ, और मेरे को घर आके याद आया कि वो फ्रूट फ्रूट लेके आए थे केक के, वो लेने अभी जा रहा हूँ, फिर आके खाना खाऊंगा। और अभी इसमें टाइम 12 बजने में 10 मिनट, ये घड़ी खराब हो गई, इसकी सेल चेंज करनी है। ये थोड़ा मीरे में भी थोड़ा गंदा है, इसको ध्यान मत देना, कोई दिक्कत मेरे पे ध्यान दो तुम, शीशे वीशे छोड़ो तुम सब। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ ठीक हो रही है, बीच में सुबह तो मेरी आवाज़ ही नहीं करती, ऐसे होता सुबह मेरे साथ।
बट अब ठीक है बस, अब या तो सामान लेके आता हूँ फटाफट से। आंटी पाइन एप्पल है, एक पाइन एप्पल दे दो। अभी खाने वाला नहीं है, अभी खाने वाला नहीं है भैया। कब खाने वाला है? अभी तो आज कच्चे है, पका हुआ नहीं है। वो अंगूर दे दो 250 ग्राम। कितने? 250 ग्राम है इसमें? नहीं, आधी किलो का दे दो। ये पाइन एप्पल है, कहाँ मिल जाएगा? हम लोग बेचते थे, खत्म हो गया। उनमें किसी पे नहीं है? हम दोनों बेचते थे, दोनों पे किसी पे नहीं है। मंडी जाएंगे जब लाएंगे। ओहो, जाएंगे ना कल। नहीं भैया, चाहिए तो आज ही पाइन एप्पल यार। कहाँ मिल सकता है? हाँ अंदर चले जाएंगे। अरे वो तो वो कह रहे खट्टा है उनके पास। हाँ ठीक भैया, कंडेंस मिल जाता एक। नहीं है? अरे यार एक जगह चेक कर लो। हो तो यार एक बार दूर जाना पड़ेगा मेरे को लेने। फिर नहीं है कहाँ बोला? दाल ऐसे की दे दी, गरम करी थी मैंने, थोड़ी तेल हो गई। नहीं बोलते नहीं है, अंदर चलो ना, अंदर ही खा लेंगे। उस घर में था केक बन रहा, केक अभी अभी बनाना शुरू करा तूने? नहीं टाइम नहीं लगता क्या? मंदिर जाएगी, मंदिर कब जाएगी फिर? ये जब बेक हो जाएगा। 5:30 बजे तक ही जाएगी तू मंदिर? तो 5 बजे ना। चल मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर। 5 बजे अभी? हाँ पूरे करेक्ट 5 बजे मैं जा रहा हूँ मंदिर। ठीक है, मम्मी भी गई है। तो भाई अभी का प्लान ये है कि अभी जा रहा हूँ मंदिर, क्योंकि कल भी मंदिर नहीं गया था, ऐसे बहुत नींद आ रही है मेरे को। अगर मैं अभी सो गया तो रात को सोऊंगा नहीं, सो भी ना। फटाफट चलते हैं मंदिर, रहेगा छोटा मोटा काम है वो निपटाते हैं और घर आते हैं। क्योंकि भाई मतलब शादी वाले घर, मतलब शादी वाले घर कह रहा हूँ, शादी के बाद ना 2-3 दिन तक थकान जाती ही नहीं है। पैरों में दर्द, कमर दर्द सब होता है। मेरे को कल कहीं जहाँ था वो मैंने बोल दिया कि भाई मैं कल जाऊँगा नहीं, मैंने वो बाद में बोल दिया कि डिले करा दिया, मैंने बोल दिया कि अगले हफ्ते कर लेंगे जो काम है। अब फटाफट से चलते हैं मंदिर, कुत्तों को रोटी देनी और एक आध छोटे मोटे काम है वो करते हैं। भाई मैं आ चुका हूँ घर, और दूसरी चीज यार पता नहीं पार्किंग में लोग वो डब्बे कहाँ रख देते हैं, मतलब जहाँ वो खाना खिलाते हैं वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ये नहीं कि जहाँ वहाँ वो रखे जाते हैं वहीं रख दें, इससे बढ़िया जहाँ खाना खिलाएंगे वहीं वापस वहीं छोड़ जाते हैं। मंदिर के दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा गले में आराम है। बट जैसे सुबह उठते हैं गले की आवाज़ ऐसी हो जाती है, क्या हो गया, ऐसे ऐसे आवाज़ आती है मेरी। और साथ करते इस वीडियो को ये बने, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, अमोक तन्वर साइनिंग ऑफ।